आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एम लेकर आए हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज मिजल्स से हैं फर्स्ट एम है हमारा मिजल्स इज ट्रांसमिटेड बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स डिजीज होती है वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑप्शन सी फोमटीज ऑप्शन डी ऑल ऑफ एब देखिए मिजल्स जो होती है वह कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है तो यह डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब कोई रोगी किसी से बातचीत करता है तो उसके माउथ से कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा जो ड्रॉप्स निकलते हैं उसके द्वारा भी मिंजल का ट्रांसमिशन होता है फोमटीज के द्वारा क्या होता है फोमटीज जैसे उसके रोगी के बर्तन कपड़े और फर्नीचर कोई भी उपकरण यूज किया जाता है वह इन्फेक्टेड होता है कंटामिनेटेड होता है तो इसके द्वारा भी मिजल्स का ट्रांसमिशन होता है तो मिजल्स इज ट्रांसमिटेड बाई आल ऑफ एब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मिजल्स जो है वह ए बी सी तीनों के द्वारा ट्रांसमिट होती है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मिजल्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स डिजीज होती है इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है ऑप्शन ए बैरियोला वायरस ऑप्शन बी जोस्टर ऑप्शन सी मिग्जो वायरस ऑप्शन डी कोर्नीम डिप्थीरिया देखिए जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है मिजल्स का वह होता है मिग्जो वायरस तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बैरियोला जो होता है यह स्मॉल फॉक्स काउज करता है स्मॉल फॉक्स काउज करता है और बेरसिला जोस्टर जो होता है ये चिकन पोक्स काउज करता है और स्कोर्टेम डिप्थीरिया जो होता है ये डिप्थीरिया काउज करता है और मिजल्स का ट्रांसमिशन जो होता है वह मिग्जो वायरस के द्वारा होता है जो एक आर एन ए वायरस होता है तो मिजल्स इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मिजल्स इज मिगजो वायरस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्लिक्स स्पोर्ट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कॉप्लिक स्पोर्ट्स होते हैं वह किसके क्लिनिकल फीचर होते हैं ऑप्शन ए पर्ट्यूटिस ऑप्शन बी चिकन पॉक्स ऑप्शन सी कॉलरा ऑप्शन डी मिजल्स देखिए जो कॉप्लिक स्पोर्ट्स होते हैं यह मिजल्स के क्लिनिकल फीचर होते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मिजल्स जो होती है इसको रूबियोला भी कहा जाता है और रूबियोला मीन्स होता है रेड स्पोर्ट और जो रेड स्पोर्ट होते हैं उन्हीं को कोप्लिक स्पोर्ट कहते हैं और जो कोप्लिक स्पोर्ट्स होते हैं ये मिजल्स के क्लिनिकल फीचर होते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कोप्लिक स्पोर्ट्स क्या होते हैं यह रेड स्पोर्ट होते हैं जो जो ओरल कविटी होती है उसमें पाए जाते हैं ये आप इस इमेज में देख सकते हैं इस तरीके के रेड स्पोर्ट्स जो होते हैं इन्हीं को कोप्लिक स्पोर्ट कहते हैं और यह मिजल्स के क्लिनिकल फीचर होते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री सी कंसर्न टू मिजल्स आर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स से कंसर्न थ्री सी होती हैं वह कौन सी होती हैं ऑप्शन ए कफ साइनोसिस एंड चौकिंग ऑप्शन बी कफ कोराजा कंजेक्टिटिस ऑप्शन सी कफ कोराजा चौकिंग ऑप्शन डी कफ साइनोसिस कंजिस देखिए जो कफ साइनोसिस और चौकिंग होती है, टी फिस्टुला जो होता है उससे कंसर्न जो होती हैं थ्री सी वह होती है कफ सैनोस एंड चौकिंग और मीजल्स से जो थ्री सी कंसर्न होती हैं वह होती है कफ कोरो जो थ्री सी कंसर्न होती हैं मिजल्स से वह होती है कफ कोराजा और तो ऑप्शन बी आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपलिक स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ बिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉपलिक स्पोर्ट्स होते हैं वह किसके डायग्नोसिस से एसोसिएटेड होते हैं नीचे दिए गए में से डिजीज में ऑप्शन ए चिकन पॉक्स ऑप्शन बी मम्स ऑप्शन सी रूबेला ऑप्शन डी मिजल्स देखिए जो कॉप्लिक स्पोर्ट्स होते हैं यह मिजल्स के डायग्नोसिस से एसोसिएटेड होते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कॉपलिक स्पोर्ट्स जो होते हैं वह मिजल्स में पाए जाते हैं और जो मिजल्स होती है इसको रू बियोला भी कहा जाता है रूबियोला मीन्स होता है रेड स्पॉट और रेड स्पॉट जो होते हैं उन्हीं को कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं और यह ओरल कैविटी में पाए जाते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है सब एक्यूट एक स्क्लोरोसिंग पेन इंसेफ्लाइटिस एस एस पी ई इज सीन इन बिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एस एस पी ई होता है जिसको सब एक्यूट स्क्लोरसिंग फेनसेफलाइटिस कहा जाता है वह किस कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलती है ऑप्शन ए मिजल्स ऑप्शन बी रूबेला ऑप्शन सी मम्स ऑप्शन डी चिकन पॉक्स देखिए जो एस एस पी होती है यह बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है और यह मिजल्स की डिजीज में देखने को मिलती है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यह होती तो रेयर है लेकिन बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जो मिजल्स से कैसी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जिसमें देखने को मिलती है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिजल्स कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर सीन इन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स स्पोर्ट, स्पोर्ट होते हैं जो मिजल्स में कॉप्लिक स्पोर्ट्स होते हैं भाई कब देखने को मिलते हैं ऑप्शन ए प्रोडर्मल स्टेज ऑप्शन बी पोस्ट मिजल्स स्टेज ऑप्शन सी इरप्टिव स्टेज ऑप्शन डी नॉन देखिए जो प्रोडर्मल स्टेज होती है इसको प्री इरप्टिव स्टेज भी बोलते हैं और जो कोपलिक स्पोर्ट होते हैं है, वह प्रोडर्मल स्टेज में पाए जाते हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और जो पोस्ट मिजल्स स्टेज होती है इसको पोस्ट इरप्टिव स्टेज भी बोलते हैं इसमें जो सिम्टम होते हैं है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जो इरप्टिव स्टेज होती है यह प्री इरप्टिव इरप्टिव के बाद की स्टेज होती है जिसमें जो स्पोर्ट्स होते हैं वह धीरे धीरे फेस नेक और बॉडी के नीचे पार्ट की तरफ फैलने लगते हैं तो जो कॉम्प्लिक स्पोर्ट्स होते हैं वह सीन होते हैं प्रोडर्मल स्टेज में या प्री इरप्टिव स्टेज में तो ऑप्शन इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेजर्स डिजीज होती है इसकी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ऑप्शन ए क्रप ऑप्शन बी निमोनिया ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया ऑप्शन डी मैनजो इंसेफ्लाइटिस देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझ लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सा कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है इस पर डिपेंड करता है जो मीजल्स होती है इसकी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछी गई है तो मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन होती है वह होती है मैनजीओ इंसेफ्लाइटिस तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स तो होती है ओटाटिस मीडिया और मोस्ट लिस्ट कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो एस एस पी ई जो होती है एक प्रकार की इंसेफ्लाइटिस होती है यह मोस्ट लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होती है और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाए तो ओटाइटिस मीडिया होती है और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो एस एस पी ई और मैनजो इंसेफ्लाइटिस ये मोस्ट सीरियस होती हैं बट लीस्ट होती हैं कॉमन नहीं होती हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज तो मोस्ट सीरियस जो होती हैं वह होती है मैनन्जियो इंसेफ्लाइटिस तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी है जो मिजल्स की कॉम्प्लिकेशन नहीं है ऑप्शन ए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑप्शन बी कंजक्टिवाइटिस ऑप्शन सी इंसेफ्लाइटिस ऑप्शन डी लेरजाइटिस देखिए जो मिजल्स डिजीज होती है इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वह लेरेंजाइटिस इंसेफ्लाइटिस और कंजक्टिवाइटिस ये मिजल्स की कॉम्प्लिकेशन होती हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होती है एक कंजेनाइटल डिजीज होती है एक कंजेनाइटल डिजीज होती है हर्ट की जिसमें जो सेप्टम होता है एट्रियल एट्रियम के बीच में उसमें डिफेक्ट होता है तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं और एक कंजेनाइटल डिजीज होती है मिजल्स की डिजीज मिजल्स की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मिजल्स तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स एज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मिजल्स का वह कब होता है कितना होता है ऑप्शन ए सेवन डेज ऑप्शन बी टेन डेज ऑप्शन सी फोर्टीन डेज ऑप्शन डी फोर्टी फाइव डेज देखिए मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह होता है टेन से फोर्टीन डेज तक टेन से फोर्टीन डेज तक मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड होता है जो टेन डेज होता है वह एक्सपोजर से ऑन सेट ऑफ फीवर तक जो मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड होता है वह होता है टेन डेज और जो फोर्टीन डेज होता है वह एक्सपोजर से रेसिस के अपेरेंस तक होता है तो इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स टेन डेज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मिजल्स डिक्लाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स होती है इसकी कम्युनिक कम्युनिकेबिलिटी डिक्लाइन होती है कब ऑप्शन ए आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर ऑप्शन बी डूरिंग प्रोडर्मल पीरियड ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ इरप्शन ऑप्शन डी आफ्टर अपियरेंस ऑफ रेसेस देखिए जो मिज़ल्स होती है इसकी कम्युनिकेबिलिटी हाई कब होती है डूरिंग प्रोडर्मल पीरियड प्रोडर्मल पीरियड में क्या होता है कि जो वायरस होता है वह नेजल सीक्रेशन थ्रोट सीक्रेशन यूरिन और ब्लड में पाया जाता है और उस समय रेसेस अपीयर होते हैं इस समय जो कम्युनिकेबिलिटी होती है वह होती है हाई और डिक्लाइन कब होती है आफ्टर अपियरेंस ऑफ रेसेस रेसेस के अपीयरेंस होने के बाद जो कम्युनिकेबिलिटी होती है वह डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि इस समय एंटीबॉडी अपीयरेंस होने लगता है तो कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मेजर्स डिक्लाइन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर और कम्युनिकेबिलिटी हाई कब होती है डूरिंग प्रोडर्मल पीरियड क्वेश्चन में पूछा गया है डिक्लाइन का तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विद मीजल्स फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है वह मदर को एडवाइज करेंगी मीजल्स के चाइल्ड को आइसोलेट करने के लिए ऑप्शन ए थ्री डेज ऑप्शन बी फाइव डेज ऑप्शन सी सेवन डेज ऑप्शन डी नाइन डेज देखिए जो मीजल्स की कम्युनिकबिलिटी होती है वह रेसिस के अपियरेंस होने के फोर डेज बिफोर होती है फोर डेज बिफोर और फोर डेज आफ्टर होती है जो कम्युनिकबलिटी होती है मिजल्स की वह बिफोर फोर डेज होती है और आफ्टर फोर डेज होती है रेसेस की जो रेसेस होते हैं उनसे फोर डेज चार दिन पहले और चार दिन बाद जो मिजल्स की कम्युनिकबलिटी होती है तो इसलिए बच्चे को आइसोलेट किया जाएगा सेवन डेज के लिए तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर एक नर्स एडवाइज करेंगी मदर को आइसोलेट करने के लिए मिजल्स के चाइल्ड को सेवन डेज के लिए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मिजल्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ट्रू है अबाउट मिजल्स ऑप्शन ए इनक्यूबेशन पीरियड इज टेन डेज ऑप्शन बी इन्फेक्सिस फोर डेज बिफोर द रेसिस ऑप्शन सी कोपलिक स्पोर्ट्स आर सीन ऑप्शन डी आल ऑफ एबव देखिए जो मिजल्स डिजीज होती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड टेन डेज होता है तो ये ट्रू है इन्फेक्सिस फोर डेज बिफोर द रेसिस रेसिस के फोर डेज बिफोर इन्फेक्सिस होता है यानी कम्युनिकेबिलिटी हाई होती है तो ये भी राइट है और कॉपलिक स्पोर्ट्स आर सीन मिजल्स में कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो होते हैं वह देखने को मिलते हैं तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है क्योंकि ए बी और सी ये तीनों मिजल्स के बारे में राइट right हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाय बिच रूट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स वैक्सीन होती है वह किस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है ऑप्शन ए सबकोटेनियस रूट ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर रूट ऑप्शन सी ओरल ऑप्शन डी इंट्रा डर्मल देखिए जो मिजल्स वैक्सीन होती है वह सबकोटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो मिजल्स वैक्सीन होती है वह सबकोटेनियस लगाई जाती है ज़ीरो पॉइंट फाइव एम एल डोज होती है इसकी तो मिजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड सब सबकोटेनियस रूट ऑप्शन ए इज़ द right राइट आंसर इंट्रामस्कुलर जो होती है वह डी पी टी लगाई जाती है डी पी टी ओरल जो होती है वह ओ लगाई जाती है और जो इंट्राडर्मल होती है वह बी लगाई जाती है क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजल्स वैक्सीन इज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिजल्स वैक्सीन होती है वह कैसी होती है ऑप्शन ए लाइव वायरल वैक्सीन ऑप्शन बी लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन ऑप्शन सी किल्ड वैक्सीन ऑप्शन डी टॉक्सोइड वैक्सीन देखिए जो मिजल्स वैक्सीन होती है वह लाइव वायरल वैक्सीन होती है तो ऑप्शन इज द राइट आंसर मिजल्स वैक्सीन होती है वह लाइव वायरल वैक्सीन होती है ऑप्शन इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिजल्स वैक्सीन शुड बी इन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मीजल्स की वैक्सीन होती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड के बाद कितने समय में यूज कर लेनी चाहिए ऑप्शन ए वन डेज ऑप्शन बी सेवन डेज सेवन आवर ऑप्शन सी थ्री आवर ऑप्शन डी वन आवर देखिए जो मिजल्स वैक्सीन होती है वह रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वह विद इन थ्री आवर यूज हो जानी चाहिए तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर जो मिजल्स की वैक्सीन होती है वह रिकॉन्स्टिट्यूटेड के बाद विदिन थ्री हवर में यूज हो जानी चाहिए